चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट्स में, जहां टेलीकॉम प्लेज की हम बात कर रहे हैं। देवर्ष, आपसे जानना चाहूंगी सबसे बड़ी खबर 5G रोल आउट को लेकर आती हुई लगातार नजर आ रही है, और टेलीकॉम सेक्रेटरी ने जब अगस्त में ऐलान किया था कि 5G मोबाइल सर्विसेज का जल्द ही रोल आउट होगा, उसके ठीक बाद कई सारी कंपनियां जो कि टेलीकॉम प्लेज हैं, एक कंपटीशन का एनवायरनमेंट डेवलप हुआ। एयरटेल का ये भी कहना था कि इस महीने के अंत तक टेलीकॉम 5G पर्टिकुलरली ये रोल आउट करते दिखेंगे और सारे के सारे टाउन्स को 2024 तक कवर भी किया जाएगा। ताज़ा खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5G सर्विसेज को 1 अक्टूबर को लॉन्च करने जा रहे हैं। टेलीकॉम प्लेज, टेलीकॉम एंसिलरी पर आपका आउटलुक बताएं। काफी बुलिश है। पहले ये सेक्टर में बहुत प्लेयर्स थे, वो प्लेयर्स कंसोलिडेशन में खत्म हो चुके हैं। अब जो प्लेयर्स हैं वो वेल एंट्रेंच्ड हैं, उसमें भी वोडाफोन आइडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो भारतीय और रिलायंस जैसे दो जो दिग्गज हैं वो काफी धीरे धीरे ग्रोथ का फायदा उठाएंगे। अब देखिये, टेलीकॉम एज ए सेक्टर में अगर थोड़ी हिस्ट्री की बात करूं तो निफ्टी में 2004 में करीबन 6% जितना हुआ करता था, वो बढ़ के 11% तक चला गया था। वहां से अगर आप देखें तो धीरे धीरे गिर के आज 2% पर रह चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना कम रिलेटिव टू बाकी सब इंडस्ट्री इसका वेटेज इंडेक्स में रह चुका है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कंपनियां वापस अपना प्रॉफिटेबिलिटी और मार्केट कैप को ऐड करेंगी, और उसके पीछे इनकी मार्केट शेयर और इनका जो शेयर है इंडेक्स के वेटेज में वो भी काफी बढ़ेगा। तो अगर आपके पास लंबी अवधि का काल है, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म आउटलुक है, तो जरूर से मुझे लगता है कि टेलीकॉम और टेलीकॉम एंसिलरीज में इन्वेस्ट करके कमाने की अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर टेलीकॉम, टेलीकॉम एंसिलरी से बनती हुई दिख सकती है। 5G रोल आउट का इंतजार है, लेकिन कुछ जहाँ फार्मा स्पेस में एक अपवर्ड मूवमेंट अब नजर आ रहा है, लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक हेल्थ केयर काउंटर्स पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। मिड कैप पैथलैब स्टॉक्स लाइक डॉक्टर लाल पैथलैब पिछले पूरे हफ्ते में करीब 10% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिखाए, 3% की तेजी फ्राइडे सेशन में भी। हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक या फिर लैब काउंटर में DRL डॉक्टर लाल पैथ पर्टिकुलरली पर आपकी राय क्या होगी? जी हाँ, देखिए काफी अच्छा स्लंप आया था इन स्टॉक्स में, बट हाल फिलहाल में इनमें एक अच्छी खासी बाउंस भी आई है, एंड दैट इज यू नो टर्न आउट टू बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉक्स की यू नो अगर डॉक्टर लाल पैथलैब्स की पर्टिकुलरली बात करूं तो जरा सा वॉलेटाइल रहा है स्टॉक। यू नो ऊपरी स्तरों पे जो इसके 200 DMA है उसको अब तक ये क्रॉस नहीं कर पाया है। नीचे 50-day मूविंग एवरेज जो है वहां पे हल्का सा ब्रेक लेके यू नो उसके हल्के से नीचे स्लिप होकर स्टॉक में फिर से एक बाउंस आया है, लेकिन ये फिलहाल यू नो वॉल्यूम एक्शन जो है इसमें अच्छा खासा देखने मिल रहा है, तो सजेस्ट कर रहे कहीं ना कहीं इनमें एक फ्लेवर बिल्कुल रिटर्न हुआ है। यहां मैं कहूंगा अगर आप यू नो बाय करते हैं तो बिल्कुल 2400 के जो लेवल्स हैं ये आपका यू नो स्टॉप लॉस बना के चलें। यहां मैं दो टारगेट देता हूं। पहला जो टारगेट है ये 2620 का, जहां पे इसका 20-day मूविंग एवरेज बन रहा है, ये टारगेट क्रॉस होते ही यहां पे 2750 के जो लेवल्स हैं ये यू नो एक्टिवेट हो जाएंगे। सो इन टारगेट्स के लिए आप बाय कर सकते हैं। इसी स्पेस में एक और स्टॉक है विच इज यू नो मेट्रोपोलिस। ये स्टॉक एक हल्का सा रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है, इसमें अब तक वो ब्रेकआउट नहीं आया है जो डॉक्टर लाल पैथलैब में आ गया है। तो अगर किसी को यू नो ट्रेडिंग के लिहाज से प्ले करना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा मेट्रोपोलिस को भी अपने रेडार पे बनाए रखें। ओके ठीक है, 30 सेकंड रह गए हैं अभी मार्केट के अंदर प्रिया टिक आने के, लेकिन उससे पहले कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपनी अलग से छाप छोड़ के गए हैं,